मेरा नाम डॉक्टर अशोक अग्रवाल और अपनी नई वीडियो के साथ आप सबके सामने फिर आया हूं मैं। आप सब देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। लास्ट वीडियो आप लोगों ने मेरी देखी कि नेटवर्क मार्केटिंग को हम कैसे पहचाने। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो ये चीज है कि उस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आपको क्या क्या चीज मिलना चाहिए। अगर वो सारी चीजें उस इंडस्ट्री से आप ले पा रहे हैं या मिल सकती है तो आपके और आपके बच्चों के भविष्य के लिए वो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री 100% नहीं 1000% सही है। हम उसको कैसे चेक करें? दोस्तों, सबसे पहले आज की जरूरत किस चीज की है? हर आदमी अपनी लाइफ में क्या चाहता है? अच्छी सेहत। सेहत के बारे में बात करके चलो, मैंने सेहत के नाम के नीचे लेट लाइन दी हुई है, यानी कि लोगों की सेहत खत्म होती जा रही है। आप सभी जानते हैं, इनफैक्ट देखते भी होंगे, कोई भी आदमी अपनी इच्छा से हॉस्पिटल जाना नहीं चाहता, लेकिन अपने आसपास की सराउंडिंग में नजर दौड़ा के देख लीजिए, आज हॉस्पिटल में पैर रखने की जगह भी नहीं है। इवन डॉक्टर, चाहे MBBS हो, चाहे BMS हो, चाहे कोई भी हो, भीड़ ही भीड़ मिलती है। तो यानी कि उस नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर जो प्रोडक्ट होने चाहिए वो वर्ल्ड के बेस्ट क्वालिटी के होने चाहिए, खासकर जो आपकी सेहत पर काम करे, क्योंकि सेहत है तो सब कुछ है। हम सभी जानते हैं, एक बात बोली जाती है, पहला सुख निरोगी काया। दोस्तों, सेहत से संबंधित प्रोडक्ट है, कंपनी जरूर कीजिए। दूसरी चीज, वेल्थ। ग्रीन लाइन मैंने इसलिए डाली है, लोगों के पास पैसा ही नहीं टिक पाता। वो जितनी मर्जी मेहनत कर लीजिए, भागते रहते हैं, फाइनली जो कमाया है वो डॉक्टर के यहां दे के आते हैं, क्योंकि अपनी सेहत पर ध्यान नहीं दे पाते। दोस्तों, आपको अपनी मेहनत की कमाई बचानी है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में आइए जो सेहत से संबंधित प्रोडक्ट पे डील करती हो, उससे आपका पैसा भी बचेगा। पैसा एक ऐसा मिलेगा उस इंडस्ट्री के अंदर, नेटवर्क इंडस्ट्री होनी चाहिए, अगर आपने सही तरीके से 2 से 5 साल मेहनत कर ली तो 50 साल की इनकम मात्र 2 से 5 साल के अंदर आप ले सकते हैं। दोस्तों, तीसरी बात मैंने यहां पर बोल के चला हूं, टाइम फ्रीडम। आखिर टाइम फ्रीडम है क्या? किसी से ही बात करते हैं, पूछते हैं, आप किसके लिए काम कर रहे हो? परिवार के लिए, फैमिली के लिए, बच्चों के लिए? मेरी नजर में वो हर आदमी झूठ बोल रहा है जो ये कहता है कि मैं अपने परिवार के लिए काम करता हूं। दोस्तों, चाहे वो जॉब कर रहा है, चाहे उस व्यक्ति ने दुकान खोल रखी है, चाहे कोई छोटा मोटा और काम कर रहा है, या आप अपने सराउंडिंग में देख के चलिए, जिस भी नेटवर्क इंडस्ट्री में आप हैं, क्या एक्चुअल में परिवार के लिए काम कर रहे हैं? जी नहीं। सुबह से शाम तक सिर्फ भाग रहे, लेकिन जाना कहां यही नहीं पता, भागते चले जा रहे हैं। दोस्तों, सिर्फ अपने टारगेट्स को पूरा कर रहे हैं, और टाइम फैमिली को दे रहे हैं, जिस दिन हमारे उस ऑफिस